गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? तो सुबह के बज रहे हैं 6:15, थोड़ा लेट उठाऊँ, कल रात को लेट सोया था इसलिए। तो भाई अब उठ के सीधा जाएंगे सबसे पहले जिम, क्योंकि भाई थोड़ा एक्टिव रहने के लिए जिम भी तो करना ज़रूरी है। तो उठ के फिर पहले सबसे पहले अपने स्प्राउट्स वगैरह, ये मेरी जड़ी बूटियाँ हैं, मैं ना जड़ी बूटी बोलता हूँ। फिर अब वाटर वाटर ले लिया, तो अब जिम के लिए रेडी होते हैं। तो सबसे पहले हमने जिम बैग में डाली अपनी बेल्ट, क्योंकि आज हमारा चेस्ट वर्कआउट, छाती भी तो फुलानी है जिम करके। फिर वो अपनी रख ली टॉवल, बॉटल और अपने स्ट्रैप्स। तो भाई अब तैयार होके हम निकलते हैं जिम के लिए। तो जिम भाई ठंड हो रही है, तो पूरा पैक होके जाना पड़ता है, मगर वर्कआउट मैं अभी भी शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में ही करता हूँ, क्योंकि भाई उसी में कंफर्टेबल लगता है यार। फिर भाई वर्कआउट हो गया, अब मैं वर्कआउट के बाद क्या करता हूँ, मैं मारता हूँ पुशअप। वर्कआउट करने के बाद चेस्ट वाले दिन मैं मारता हूँ 100 पुशअप जितने सेट में लग जाएँ। तो 30 सेट में मेरे लगे हैं और 20 के आसपास लगे थे, शायद 20 से 16 के आसपास लगे थे। मेरा तीसरा है चौथा सेट था, तो वही लगते नहीं यार चेस्ट वर्कआउट करने के बाद। तो इसलिए फिर इसके बाद आगे जाएंगे घर। मैं काफ़ी लेट आया था थोड़ा आज, 6:30 के आसपास आ रहा था बस। तो अब जाने घर, और ये मिला। अब यार डॉग लोग ऐसे क्यों करते हैं आप बताना, क्या ये मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, क्या करते हैं ऐसे झुक के आगे को, मतलब पैर आगे कर लेंगे पीछे को झुकेंगे जैसे पैर छू रहे हैं। बहुत सारे डॉग ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे क्या, मोस्ट प्रोबेबली सारे डॉग ही ऐसे करते हैं मिलने से पहले। तो क्या शायद ये रिस्पेक्ट देते हैं क्या कि हमें प्यार करो? तो अब जूते रख लेते हैं अपने शू रैक में, हमारे घर वाला शूर है, और हमारा जिम्मी हमारा वेट कर रहा होगा। आजकल गेट पे नहीं आता, ठंड हो रही है, पीछे ही रहता है, तो बस चिपक जाएगा आते ही, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर इसके बाद अपना नहा धो के अपने सूर्यदेव को पानी दूंगा, ये मेरा सूर्यदेव। फिर और ये मेरी इधर तुलसी माता, तो इनको पानी चढ़ा के फिर नीचे आ गया हूँ, खा रहा हूँ आज। आज बनाना था नहीं तो शेक तो बनाया नहीं, तो सोयाबीन के पराठे, दूध और थोड़े ड्राई फ्रूट्स। तो ये आज मेरा टू डू लिस्ट, जिसमें मेरे को कैलकुलेशन करनी है, 10 एडिशन, 10 मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर करने 1 से 15, क्यूब करने 1 से 15, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वो कैब करनी है 1 से 16, रिवीजन 16 से 20 लर्न, मैथ्स में करना परसेंटेज 70 क्वेश्चन जो मैं आज शायद इससे ज़्यादा कर लूँगा, फिर इंग्लिश में वो करनी रीडिंग, वर्ब कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीट क्या छोड़ आराम से करूंगा, क्या जल्दी है। फिर रीजनिंग, फिर जीके हिस्ट्री। फिर अब जा रहा हूँ, तो ये ऊपर से देख रही है कहाँ जा रहा है तू, हाँ, और ये भागती है पीछे, उससे पहले ही मैंने गेट बंद कर दिया। तो अब जा रहा हूँ लाइब्रेरी अपनी जॉब पर, तो भाई हमारी जॉब लगने से पहले तो यही हमारी जॉब है 9 to 5, मगर शायद हम ज़्यादा पोटेंशियल से पढ़ते हैं तो इसलिए ज़्यादा देर तक तो पढ़ते हैं। अब तो लाइब्रेरी आ गया हूँ, अपने शू रैक में स्लीपर रखी और फिर अपने डेस्क पे आके बैठूँगा। बैठने से पहले मैं अपने डेस्क को साफ़ करता हूँ कपड़े से, एक मैंने कपड़ा ले रखा है, और फिर उसके बाद अपनी वाटर बॉटल, और मतलब बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, कि मतलब 1 घंटे तक मुझे उठना ही ना पड़े। फिर उसके बाद सबसे पहले अपनी करेंगे कैलकुलेशन, इसमें 10 एडिशन, 10 मल्टीप्लिकेशन। और भाई कैलकुलेशन के लिए ऐप का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब्स, तो भाई ये मैं अपनी कॉपी में मैंने लिख रखे हैं, तो उससे रिवाइज करता हूँ। और इसकी प्रैक्टिस के लिए भी एक ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, ये भी मैंने पीछे लिख रखे हैं, मेरे को 1 से 20 तक फ्रैक्शन याद करने हैं, आपको भी करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं उनका भी ऐप जो होता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद वो ऐप करना है 1 से 16, 16 से 20, और ये मैं करता हूँ अपनी पिनेकल की बुक से। तो ये एडियम, एंटोनिम्स, और इसके बाद स्पेलिंग, शायद सिनोनिम रह गया, तो सिनोनिम सिनोनिम ये रहा सिनोनिम्स, तो सब कुछ है इस बुक में, इसी से करता हूँ। फिर अब मैं जा रहा हूँ घर थोड़ा आराम से, क्योंकि यार मैं आज ना लेट आया था लाइब्रेरी, क्योंकि मैं सोया भी था थोड़ा घर पे, मैं नींद आ रही थी बहुत तेज, तो मैं लेट आया था लाइब्रेरी।
और फिर अब मैं लेट घर जा रहा हूँ, और शायद अब घर से लेट आऊँगा। आज का शेड्यूल बहुत बेकार हो गया क्योंकि मैं सो गया घर पे। मैं सोता नहीं हूँ, मैं रात थक गया था इसलिए थोड़ी देर सो गया। मतलब सो क्या गया, मैंने वो कंबल ओढ़ा और मेरे को नींद आ गई। तो आज बने थे राजमा चावल, और इसके साथ मैं मूवी देख रहा था। पता नहीं कौन सी थी, करप्शन नाम से कोई मूवी थी, साउथ इंडियन। तो मेरे को बॉलीवुड से ज़्यादा ना साउथ इंडियन मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं साउथ इंडियन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब मैं लैपटॉप लेके नहीं गया था, तो अब मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि बैग में लैपटॉप लेके ही नहीं गया था, भूल गया था मैं, वहाँ जाके पता चला मेरे को। तो अब आइए परसेंटेज की बारी। तो परसेंटेज में क्वेश्चंस करना है, तो क्वेश्चंस मैंने पिनिकल से करता हूँ, ये पिनिकल की बुक है मेरी, और मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर भी लिए हैं, ठीक है। और ये करने के बाद की वीडियो बना रहा हूँ, और ये देखो मेरी कैलकुलेशन के पेजेस ऐसे होते हैं। मैं एक पेज को कम से कम 3 या 4 बार यूज़ करता हूँ, पेंसिल, ब्लू पेन, फिर उसके ऊपर ब्लैक पेन, और भाई बहुत यूज़ होता है। आप न्यूज़पेपर में भी यूज़ कर सकते हो। तो इंग्लिश की बुक से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ये 8th क्लास की बुक है, हनी स्कल, और ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। फिर वर्ब पढ़ रहा हूँ, वर्ब में ये है, कहते हैं वर्ब के जो वो होते हैं क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसकी बुक में, मैंने लिया भी नहीं, खरीदी है नीतू मैम की क्लास नोट्स, अच्छी है भाई, नो नो डाउट। फिर मैं आया हूँ घर, तो सब सो रहे हैं, सब 5 भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। ये हमारा जिम्मी पूँछ हिला रहा है, देखो मेरा, अब ये पूँछ हिला रहा है। थोड़ी देर इसके पास बैठूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त का कॉल आया था कि भाई घर पे आ जा, तो वो मेरे लिए ठेकवा लेके आया है और मतलब प्रसाद लेके आया है, छठ पूजा का प्रसाद, छठी माई का। फिर इसके बाद ना अब मेरे को ना डिकैथलॉन में कुछ लेना था, तो अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा अपने दोस्त के पास जाऊँगा पहले, उसको उठाऊँगा, और उसके बाद जाऊँगा डिकैथलॉन। तो डिकैथलॉन में गोलगप्पे मैं आया था, खाया मगर जो मेरे को चाहिए था वो स्टॉक में हाँ ही भाई, नहीं है। क्या पता हो जाए कुछ तो भी। अब देखते कब तक स्टॉक में आएगा। तो फिर आ गया हूँ घर वापस, थोड़ा खा पी के मौज मस्ती करके, और ये हमारा जिम्मी हमारा वेट कर रहा है। फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया, एकदम से लैग करने लग गया था, शायद वाईफाई से कनेक्ट हो गया ना, तो नोटिफिकेशन आ रही थी बहुत, तो इसलिए। और मैं रिचार्ज भी नहीं करता, पता है बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए मैं रिचार्ज ही नहीं करता। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 6 से 7 महीने हो गए। और फिर इसके बाद मैं अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये रहा हिस्ट्री। और रीजनिंग मैंने वहीं पर कंप्लीट कर ली थी, उसकी वीडियो बनाना भूल गया था मैं। तो अब इसके बाद खाना, जैसे मैंने चावल खाया है, फ्राई चावल और सोयाबीन का पराठा। गुड नाइट, फिर मिलेंगे दोबारा।